हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का टैलेंट इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं आप लोग पिछले क्लास में चैप्टर वन का एक्सरसाइज नंबर 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कराया था। आज मैं आप लोगों को इस क्लास में आप लोगों को एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड में बता रहा हूँ। तो चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो हम चलते हैं, देखो ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, प्रूव डैट 3 + 2√5 इज इरेशनल। चलो बच्चों, पिछले जो क्वेश्चन मैंने कराया था, फर्स्ट क्वेश्चन कराया था, इसमें बहुत सारा लैंग्वेज मैंने लिखवाया था। चलो इसमें थोड़ा सा कम लैंग्वेज ही लिखवाऊंगा, ठीक है बच्चों? आप लोगों को समझ में आना चाहिए और थोड़ा सा शॉर्ट में करूँगा। ओके, तो चलते हैं हम लोग प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हमको क्या पड़ेगा, सब सपोज करना पड़ेगा। सपोज 3 + 2√5 इज रेशनल। ओके, देन फाइंड, फिर क्या है, देन फाइंड इंटीजर्स या यहाँ पे को प्राइम एंड बी। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सच डैट क्या हो जाएगा, देखो आज कितना मैंने अभी कितना कम कर दिया लैंग्वेज, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी, आप कर सकते हो ऐसे। सच डैट 3 + 2√5 इजिकल टू ए बाई बी। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या करेंगे, 2√5 को यहीं पे रखेंगे और 3 को क्या करेंगे, इधर लेके आ जाएंगे। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पे बच्चों, ध्यान से देखना कि 2√5 इजिकल टू ए बाई बी, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा बच्चों, ध्यान से देखना। अब देखो ये 2 है, 2 भी क्या है, इधर है, इधर लाएंगे इसको तो क्या हो जाएगा, √5 इजकल टू 1/2 ए बाई बी -3। ओके बच्चों, सबको दिख रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए एंड बी आर इंटीजर्स। ओके बच्चों, वी गेट ए एंड बी आर इंटीजर्स, वी गेट 1/2 ए बाई बी -3। सबको दिख रहा है अच्छे से, -3 इज रेशनल। ओके, एंड सो √5 इज रेशनल, बट दिस कंट्रा, सबको दिख रहा है अच्छे से, कंट्राडिक्ट्स, व्हाट दिस कंट्राडिक्ट्स, √5 इज इरेशनल, दिस कंट्राडिक्शन हैज, दिस कंट्रा कंट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग
रॉन्ग सुपोजिशन है ना, रॉन्ग सुपोजिशन दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव, दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज रेशनल, रेशनल. वी कंक्लूड लास्ट वाला यही सब लिखना है. वी कंक्लूड दैट थ्री प्लस टू रूट फाइव इज इरेशनल. आई होप बच्चों कि आप लोगों को समझ में आया होगा, कोई हार्ड नहीं है. आप लोग प्रैक्टिस करोगे सारे आ जाएंगे. अगर आप लोगों को नहीं समझ में आया होगा कहीं भी तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करिए. ओके बच्चों, मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगा, बट इसमें कुछ है नहीं. आप लोग घर पे अच्छे से प्रैक्टिस करिए. तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में बच्चों. बाय.